नमस्ते दोस्तों, पूजा रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी फूडी होस्ट एंड दोस्त पूजा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी रसोई में आपको बताऊंगी कि ग्रीन टी मॉकटेल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं ग्रीन टी मॉकटेल। तो दोस्तों, पहले देख लेते हैं हमको इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने ये बना हुआ ग्रीन टी रखा हुआ है। और अगर आपको नहीं पता है कि ग्रीन टी कैसे बनाया जाता है, तो आप मेरे वीडियो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि कैसे मैंने ग्रीन टी बनाया हुआ है। और फिर आप ये ग्रीन टी बना के उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए। फिर ये बनेंगे, 1 कप ग्रीन टी है, और ये कुछ अदरक के स्लाइसेस है, ये कीवी के स्लाइसेस मैंने ले लिया है। आप कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हो, इस समय मैंगो के सीजन है, आप मैंगो भी डाल सकते हो। ये मैंने 3 जूसेस ले लिया है, ये ऑरेंज जूस है, ये मैंगो जूस है, और ये लेमन जूस है। और कुछ आइस क्यूब्स चाहिए, और थोड़ा सा मैंने वेनिला आइसक्रीम ले लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 1 ग्लास में ये ग्रीन टी डालूंगी। उसके बाद फिर एक एक करके ये सारे जूसेस डाल दूंगी। मैंने इसमें और कोई अलग से स्वीटनर यूज नहीं किया है, हनी या ब्राउन शुगर वगैरह, क्योंकि जूस ऑलरेडी जो है स्वीट है, फिर वेनिला आइसक्रीम भी स्वीट है, तो अलग से ज़रूरत नहीं है। अब ये मैं अदरक की ये चंक्स को थोड़ा सा क्रश कर लूंगी। अब ये इसमें जिंजर डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा स्टेयर कर लेंगे। अब इसमें ये कीवी के टुकड़े डाल देंगे, और अब आइस क्यूब्स। मैं ऑलरेडी इतने टेस्टी दिख रहा है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे वेनिला आइसक्रीम। हो, अब हम इसमें एक स्ट्रॉ लगा देंगे, और एक लेमन को मैंने इसे गोल काट के थोड़ा सा स्लिट कर लिया, इसको ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, हमारी ये ग्रीन टी मॉकटेल बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, हमारी ग्रीन टी मॉकटेल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। ये इतना रिफ्रेशिंग है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत हेल्दी है। अगर आप घर पे बना के इस तरह के समर ड्रिंक्स आप भी अपने बच्चों को भी पिलाए, तो आपके भीतर एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने कुछ अच्छा लिया, अपने फैमिली को भी कुछ अच्छा दिया। बाजार के रेडीमेड ड्रिंक्स से तो ये बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, आप बनाइए और टेस्ट कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे एक लाइक जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पे आपके सामने फिर से आऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए बाय।